स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देश के किसी भी कोने में जाइए, हमारे बिहार पटना युवा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता युग निर्माण का झंडा लिए हुए भारत माता की जय जयकार कर रहे हैं। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक पूरे बिहार में लगभग 2.5 लाख युवा इस अखिल विश्व गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ से जुड़ चुके हैं और वो सक्रिय होकर विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत सारे असंभव से दिखने वाले कार्य जिसको देख के लोग अचंभित होते हैं कि ये कैसे संभव है। आज पटना में 44 जगह पर स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाने का काम किया जा रहा है, जिसमें 15 से 16 हजार हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ये वो बच्चे जिनको छूने से, जिनको देखने से लोग कतराते थे, आज उन बच्चों को जाके कोई भी देख सकता है कि युवाओं ने वो काम किया है कि आज लोग दांतों तले उंगली दबा रहे हैं कि गायत्री परिवार ने यह चमत्कार किया। पटना जंक्शन एक नंबर प्लेटफॉर्म पर ऐसे बच्चे जो पॉलीथीन चुनते थे, बोतल चुनते थे, रेलवे प्रशासन से हम लोगों ने बात किया क्या क्या इन बच्चों को हम लोग गायत्री परिवार के बैनर तले पढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया काम कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब उन लोगों ने कहा, लोग करते तो हैं, कुछ दिन कर लेने के बाद थक जाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर अलग हट जाते हैं। हमने कहा साहब, हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। जिस काम को हम लोग पकड़ते हैं उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। यही गायत्री परिवार की विशेषता है, यही गायत्री परिवार का संकल्प है, यही हमारे गुरु की प्रेरणा है और आज उसका परिणाम दिख रहा है। इतने वर्षों में हजारों हजार बाल संस्कारशाला हमारे पूरे बिहार में खुलता हुआ नजर आ रहा है। सब लोग यहाँ से प्रेरणा पा रहे हैं। प्रदेश के महामहिम राज्यपाल गीता में गान आता है, गीता में बात आती है जब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं क्लैव्यम मा स्मगम पार्थ न तत्वयु पद्यते, तो क्लीवता को छोड़, निर्वीर्य मत बन, नपुंसक मत बन, क्लीवता को छोड़, क्लैव्यम मा स्मगम पार्थ न तत्वयु पद्यते, तुझे ही शोभा नहीं देता, तुझे ही शोभा नहीं देता। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की शुद्धता को छोड़, दुर्बलता को छोड़, त्यक्त्व तिष्ठ परंतप, हे अर्जुन, शत्रु विनाशकारी अर्जुन, तू अपनी ताकत को पहचान। मित्रों, आज का युवा वही अर्जुन है, अपनी ताकत को नहीं पहचानता, अपनी ताकत को नहीं जानता। उसको जगाने के लिए मैं भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि बन के आपके पास आया हूँ और आपसे कहने आया हूँ कि अपनी ताकत को पहचान। बिहार का युवा बहुत ताकतवर है, बिहार के युवा में इतनी शक्ति है। जब जरूरत पड़ी तो जयप्रकाश नारायण के पीछे खड़ी हो गई, जब जरूरत पड़ी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ खड़ी हो गई, जब जरूरत पड़ती है तब यहाँ का युवा अग्रगामी बनकर अपने देश के लिए क्या क्या नहीं करके दिखाता। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब की तरफ से मुझे ये आश्वासन मिलेगा कि आप जो भी कुछ कहेंगे हम वो करके दिखाएंगे और आपके अंदर वो ताकत है जो करके दिखा सकते हैं। केवल आप अपने आप को अपने अंदर से देखते नहीं हैं। आत्मानम विद्धि उपनिषद कहता है, आत्मानम विद्धि, अपने आप को जानो। आत्मावरे ज्ञातव्य, अपने आप को समझने की कोशिश करो। आत्मावरे श्रोतव्य, अपने आप को सुनने की कोशिश करो। आत्मावरे मंतव्य, अपने आप से मंत्रणा करो। और आत्मावरे निधिध्यासव्य, उसमें बैठ कर समाधि की स्थिति में प्राप्त हो। अपने मन की ओर, अपने अंदर देखो। हम बाहर तो बहुत देखते हैं, बहिर्मुखी हैं, अंतर जगत में जाकर देखें तो हमारे युवा के अंदर कितनी शक्ति है वो देखें तो निराशा के दलदल से, नशेबाजी के दलदल से निकल के बाहर आ सकता है, बेरोजगारी के दलदल से निकल के बाहर आ सकता है। और इस बिहार के माध्यम से पूरे भारत को स्वर्णिम अक्षरों में लिखवा करके उसका नाम पूरे विश्व में उसका नाम अमर कर सकता है। ये भारत की, इस युवा की ताकत। मैं
आप सबको प्रणाम करते हुए और आप सबकी उपस्थिति को यहाँ जानते हुए कि आप यहाँ इतनी देर से मौजूद हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप बुद्ध और महावीर की जन्म जमीन के हैं। आपने यहाँ न केवल वो बल्कि गुरु नानक जी की भी ज़मीन है, ये गुरु गोविंद सिंह जी की भी ज़मीन भी है, क्योंकि वो लोग भी यहाँ आए और यहाँ आकर के उन्होंने तप किया। निश्चित रूप से इस भूमि के संस्कार बड़े प्रबल हैं, केवल जगाने भर की जरूरत है। हमने केवल गायत्री मंत्र को ला करके यहाँ रख दिया, हमारे गुरुदेव ने रख दिया, बस उस गायत्री मंत्र के माध्यम से उन संस्कारों के आप जगाने की कोशिश करेंगे और आप अपने अंदर के संस्कारों को जगाने की कोशिश करेंगे तो आपके माध्यम से देखते देखते परिवर्तन दिखाई पड़ने लगेगा। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद। मैंने कहा कि मेरा संबंध गायत्री परिवार से बहुत पहले से रहा है और कहीं भी किसी रूप में भी आपके इस पवित्र मिशन में अगर मेरा योगदान की आवश्यकता होगी तो इतने बड़े महान यज्ञ में एक आहुति डालने का काम अवश्य करूंगा। इन शब्दों के साथ मैं डॉक्टर पांड्या को प्रणाम करता हूं, संत श्री राम जी को प्रणाम करता हूं, माता जी को प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने पूरा एक गायत्री मंत्र से पूरी हमारी फिलॉसफी को सारी दुनिया में उजागर कर दिया और आज इतनी बड़ी शक्ति देश में तैयार हो गई कि जो बुराइयों से लड़ने को और अच्छाई की तरफ ले जाने के लिए तैयार हो रही है, उठकर अंगड़ाई ले रही है, यही कल परिवर्तन करेंगे भारत का। मेरी शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है, धन्यवाद। Thank you.